हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन एंड गाइड। सो गाइस, मैं आपको इस जो आप देख रहे हैं सामने प्रोडक्ट को मिनटॉप, जो कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम की जो आजकल बहुत ज़्यादा बालों की प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हूँ ताकि आप सभी को मेरे वीडियो के ज़रिए आपको कुछ हेल्प मिल सके। सो गाइस, मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो यानी कि आपके बाल झड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देखिए, आपके सामने मैं ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ मिनटॉप का, जो कि ये आप प्रोडक्ट मार्केट से आप ले सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। और ये जो प्रोडक्ट है मिनटॉप का, बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो बाल जो झड़ते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मिनटॉप के। वैसे तो काफ़ी सारे मिनटॉप के नाम पर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, बट जो मैं ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ आपको, इस नाम से यानी कि मिनटॉप इरा के नाम से ही आपको ये प्रोडक्ट लेना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मिनटॉप के नाम पे है मार्केट पे। तो पहले आप ये समझ लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते होंगे डॉक्टर रेडीज, तो यानी कि ये रेकमेंड किया हुआ ही मतलब कि मिनटॉप का हेयर फॉल की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे बाल आ सकें। तो पहले मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, अब मैं इसके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट अंदर से कैसा है और इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है आफ्टर जब भी आपके हेयर फॉल होते हैं। तो मैं एक बार आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ कि ये अंदर से इसकी जो पैकिंग है वो कैसा है और किस टाइप का। ये देखिए दोस्तों, ये इस डिब्बे में आता है और इसके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट इसके साथ मिलता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसको आप देखे होंगे कि काफ़ी कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिसको इससे दवा पिलाई जाती है, इसी तरीके का इसके अंदर ये कैप है। आप इसको इससे ड्रॉप कर सकते हैं और अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए ये इसकी हेल्प के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप देखिए इसको क्लोज से मैं दिखा देती हूँ आपको। काफ़ी अच्छा स्मॉल डिब्बे में है और ये देखिए, और मैं इसके पीछे का भी जो इसका प्राइस है और जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो दिखा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये 740 रुपये का है, ठीक है। तो अगर आप 2020 का उठाते हैं तो ये 2 साल तो एटलीस्ट चलता ही चलता है, बट ये उतनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, तो 2 साल तो नहीं चलेगा क्योंकि ये 60 ml का है, तो बहुत ही कम है। बट हाँ, आप इसे 3 मंथ यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके हेयर लंबे हैं, यानी कि किसी के बहुत लंबे बाल हैं, तो उसको शायद 2 डब्बा ये लगेगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 3 मंथ्स के जो सोल्यूशन है, 3 मंथ तो आपको यूज़ करने ही होंगे। तो मैं आप पहले इसको बता देती हूँ कि ये 3 मंथ्स क्यों यूज़ करने हैं आपको, क्योंकि जब भी किसी का हेयर फॉल होता है तो वो एक दिन में तो आ नहीं जाएगा बाल, उसके लिए तो आपको काफ़ी सारे मेहनत करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको जब भी आप यूज़ करते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा अपने हेयर का, जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है। सो दोस्तों, मैं आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। तो इसे यूज़ करने से पहले आपको हेयर वॉश करना होगा और वीक में आपको 3 बार हेयर वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं भी है बालों में, तब भी उसको 3 टाइम तो लगाना ही चाहिए, यानी कि वीक में हफ्ते में 3 बार ज़रूर बाल धोना चाहिए शैम्पू से। और दोस्तों, इसे लगाते वक्त आपको ऑयल नहीं लगाना है, अगर आप तेल लगाते हैं अपने बालों में तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा जब तक आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है कि नहीं मुझे ऑयल लगाने का, मतलब कि किसी किसी को ये दिक्कत होता है कि वो बाल मतलब कि नहीं तेल लगाता है तो उसको सिर दर्द होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी हेयर वॉश करें, 1 दिन पहले आप ऑयल लगा सकते हैं, बट आप फिर इसे ना लगाएं, और या तो फिर 1 घंटा पहले ऑयल लगा सकते हैं, फिर आप हेयर वॉश ज़रूर कर लें। हेयर वॉश तो करना ही होगा दोस्तों, अदरवाइज़ आपको ये प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा, इनफैक्ट आपको ये दिक्कत में डाल सकता है। तो ये सब चीज़ें गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि बालों को कैसे आपको सही तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो मैं ये चीज़ इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको हेयर वॉश करना ही करना है वीक में, यानी कि हफ्ते में 3 बार, और कोई भी शैम्पू से आप कर लीजिए। अगर आपको शैम्पू के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो शैम्पू के लिए भी वीडियो बना दूंगी कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका बाल और भी अच्छा और स्मूथ हो। सो
पहले मैं इसके बारे में बता दिया कि इसे आपको कैसे यूज़ करना। आपको इसे एक मतलब एक दिन में दो टाइम इसको यूज़ करना है। आपको मॉर्निंग में आप इसे लगाइए, फिर उसके बाद इसको लगाने के बाद आपको इसको मसाज करना है। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा बालों ऊपर यानी कि जो आपके जो स्कल है उसके ऊपर इसको लगाने हैं। आगे के साइड ज़्यादा इसको यूज़ करना है, पीछे ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लगाने के बाद अपने उंगलियों से इसे मसाज करें, उसके बाद आप उस बाल को अपना अच्छे से बांध लें। अगर आपको खोलने का भी शौक है तो आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके का ऑयल मसाज टाइप का ही है, बट ये चिपचिपा नहीं है। आप इसे लगाएंगे तो ये चिपचिपा जैसा नहीं लगेगा। थोड़े टाइम के बाद ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है आपका बालों में, ये ड्राई हो जाता है। सो आपको इसको एक दिन में एक बार लगाना है और एक बार रात को सोने से पहले इसे लगा के आपको रहना है। तो ये आप दिन में दो बार यानी कि दो टाइम आपको लगाना है। अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो इनफैक्ट एक टाइम तो ज़रूर लगाएं इसे, ताकि इसका अच्छा रिजल्ट आए। और इसको आपको मंथ में 3 मंथ आपको रेगुलरली यूज़ करना है। और इसको लगाने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, कि इसे लगाने के बाद आपके बाल और ज़्यादा झड़ेंगे। क्यों झड़ेंगे मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। वो इसलिए झड़ेंगे क्योंकि पहले से ही आपके बाल कमज़ोर हो रखे हैं और आप फिर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कोई भी प्रोडक्ट, चाहे ये ही क्यों ना हो, कोई भी प्रोडक्ट अपना असर दिखाने के लिए 2-3 महीना ज़रूर लेता है। तो आप जब इसे अप्लाई करेंगे, जो आपके ऑलरेडी कमज़ोर बाल हो रखे हैं वो तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। उसके बाद जाके आप जब ये रेगुलर आप इसको 3 मंथ यूज़ करेंगे, जब आपके नए बाल आएंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन जो ऑलरेडी कमज़ोर हो गए हैं बाल, वो उसको ये प्रोडक्ट उस पर कोई असर नहीं करता है, इनफैक्ट वो और झड़ा देते हैं, मत यानी कि झड़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ से डरिएगा मत, ऐसा नहीं होगा होना चाहिए आपके साथ कि आप इससे और भी ज़्यादा डर गए कि मेरे बाल और ज़्यादा ही झड़ने लगे। ये सभी के साथ होता है दोस्तों, मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ आपको, ये मेरा तजुर्बा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इससे बिल्कुल मत डरिएगा। आप रेगुलर इसको इस्तेमाल कीजिएगा रेगुलर, जिससे कि आपको अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो आफ्टर 3 मंथ के बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ना कि एक दिन या एक हफ्ता या फिर एक महीना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, और जो भी आप जिस भी वाटर से आप यानी कि पानी से आप बाल धोते हैं, अगर वो पानी बहुत ही खारा हो या फिर वो पानी बहुत ही ज़्यादा बालू टाइप का हो, या बहुत सारे पानी ऐसे होते हैं जिसमें बालू भी आते हैं उससे भी आप बाल धो लेते हैं, या खारा होता है या फिर वो अच्छा नहीं होता है जो कि आपके बालों के लिए कमज़ोर होता है, तो थोड़ा ध्यान रख के ही जो भी आप पानी यूज़ करते हैं बालों को धोने के लिए, तो कुछ आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा पानी यूज़ कर रहे हैं खारा या फिर नमकीन टाइप का, या फिर आपके पानी में बालू आता है, फिर तो दोस्तों आपके बालों को कोई नहीं बचा सकता है, ये प्रोडक्ट भी नहीं बचा सकता है। कुछ टाइम के लिए तो बचा लेगा, लेकिन उसके बाद आप हर वक्त तो हर बार ये नहीं लगाएंगे, कभी ना कभी इस प्रोडक्ट को तो आपको छोड़ना ही होगा। क्योंकि मैं ये कहना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि ये एक डॉक्टर का रेकमेंड किया हुआ एक मिंटॉप हेयर सॉल्यूशन का एक कह सकते हैं कि मेडिसिन है, तो इसको तो आप हमेशा नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपने बालों का अपने से ही ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, ताकि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मैं आपके लिए कुछ और नए वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन यानी कि कोई भी सवाल हो, आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और लेटेस्ट वीडियो देखनी है जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको दिखाना है, तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।